सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी और प्रज्ञा की शादी की तैयारी पूरव और दादी ने मिलकर पूरी कर दी है। प्रज्ञा दुल्हन बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वहीं इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तनु को ठिकाने लगाने के बाद अब पूरव और दादी प्रज्ञा को लेकर मंडप में जाते हैं। वहीं जब तनु समझकर अभी दुल्हन को देखता है तब उसे कुछ अजीब सा लगेगा। वो जैसे तनु को देखता है वैसे उसके हाव भाव में पूरी तरह बदलाव है। तनु के घूंघट लेने की वजह से वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा है। इसलिए फाइनली जब अभी को अपना शक क्लियर नहीं हुआ तब वो इस बारे में पूरब से डिस्कस करता है कि आखिर तनु अचानक से बदल कैसे गई, उसने घूंघट कैसे ले लिया और उसके हाव भाव चाल ढाल सब कुछ पूरी तरह बदले हुए हैं। लेकिन पूरब अभी की बात को भांप जाता है और वो तुरंत बात पलट देता है। वो कहता है कि शादी का माहौल है इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। वही अभी की दादी उसे समझाती है कि तनु भले ही कितनी मॉडल क्यों ना हो लेकिन इस वक्त वो शादी करने जा रही है जो रस्म है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर घूंघट किया हुआ है। लेकिन अभी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि तनु मॉडल लड़की होकर ऐसे चेहरे पर घूंघट किए हुए। अब अभी अपने शक को यकीन में बदलने के लिए क्या करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। टीवी दुनिया से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से प्रयाग रिपोर्ट।